अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी हसान व्लॉग। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम अपना चैनल पे अगर मल्टी वीडियो डालें, यानी कि कंटेंट मल्टी कंटेंट डालें, तो फिर क्या इफेक्ट होता है, तो चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। और अगर हम एक ही वीडियो दो चैनल पे डाल दें, या एक ही वीडियो दो बार एक ही चैनल पे डाल दें, या एक ही वीडियो को दो चैनल पे डाल दें, तो क्या इफेक्ट होगा, तो वो मैं आज उसके बारे में आपको बताने जाऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन दबाने से हर नई आने वाली वीडियो पहुँच जाएगी सबसे पहले आप तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर हम अपने चैनल पर मल्टी कंटेंट डालते हैं तो चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज होगा, ठीक है। ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई मल्टी कंटेंट वाला चैनल मोनेटाइज नहीं होता, या मिक्स अचार है, मिक्स फ्रूट जो है, बहुत लोग बातें करते हैं, मगर इंशाल्लाह जो है ना चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा। वो जो आपने बस लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना और आपने चैनल बनाना और आप जैसे मर्जी करें। अब आप मेरा चैनल ही देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मैं क्रिकेट भी डालता था, क्वेश्चन आंसरिंग लाइव भी करता था, व्लॉग भी करता था, और गेम की वीडियो भी मैं अपलोड करता था। मगर अल्लाह का शुक्र है मेरा फिर भी चैनल जो है वो मोनेटाइज है, आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को पूरा विजिट कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये कि अगर हम एक ही वीडियो को दो चैनल पे डाल दें तो क्या हमारा वो जो दूसरा चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, यानी कि पहला मोनेटाइज है उसके ऊपर एक वीडियो डाली और वही वीडियो उठा के उस पर डाल दी तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा? नहीं, बिल्कुल भी। वो जो दूसरा चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा, जो आपका पहला मोनेटाइज हुआ है वही रहेगा, उससे अगले वाला जो मोनेटाइज नहीं होगा उसके ऊपर रीयूज कंटेंट आ जाएगा। अब रीयूज कंटेंट क्या होता है कि आपने किसी की वीडियो उठाई, या आपने एक ही वीडियो दो बार अपने चैनल पर डाल दी, या एक वीडियो को दोनों चैनल पर अलग अलग डाल दिया, यानी कि उसकी मिसाल के तौर पर अगर 2 मिनट की एक वीडियो है, आपने वो रिकॉर्ड की, आपने अपने मोनेटाइज चैनल पर अपलोड कर दी और दूसरे चैनल पर फिर वही अपलोड कर दी, वो 2 मिनट वाली जो आपने रिकॉर्ड की थी, तो जो दूसरे चैनल पर आपने अपलोड की वो मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। और इसका तरीका ये है कि अगर आपने एक वीडियो अपलोड की है 2 मिनट की, ठीक है, आपने वो दोबारा वही रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अगर वो 2 मिनट की है तो क्या पता वो अगली 2 मिनट 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 2.5 मिनट, 3 सेकंड, 3 मिनट की हो जाए, या 2 मिनट से कम भी हो जाए, ठीक है, वो वीडियो आपने दोबारा रिकॉर्ड करके दूसरे चैनल पर डाल सकते हैं, वरना ऐसे नहीं आप डाल सकते। अगर आप सेम वही वीडियो 2 मिनट की उठा के वहाँ पर डाल दें, आपका चैनल वो मोनिटाइज नहीं होगा और रीयूज कॉन्टेंट आएगा, ठीक है। और अगर हम एक ही वीडियो जो है दो एक एक वीडियो जो है वो अपने चैनल पे दो बार डाल दें तो उसका क्या इफेक्ट होता है? अगर आप एक वीडियो आपने 2 मिनट की बनाई, अपलोड की, अपलोड कर दी, तो आपने अब क्या किया, आपने बहुत पुरानी डाली थी, आपने कहा यार ये तो बहुत पुरानी, इसके ऊपर व्यू नहीं है, मैं अब यानी कि अब मेरा चैनल मोनिटाइज है, मैंने मोनिटाइज से पहले डाली थी, लिहाजा मैं अब दोबारा डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो क्या पता मुझे इसके ऊपर अच्छे व्यू आ जाएं। अगर आपने वही 2 मिनट वाली उठा के दोबारा वीडियो डाल दी तो आपको उसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और आपका चैनल में रीयूज कंटेंट आ सकता है और आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने वही वीडियो डालनी है तो अगर उसी टॉपिक पर डालनी है तो आप दोबारा रिकॉर्ड करके डालेंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक वीडियो रिकॉर्ड की के जैसे मैं बताता हूँ कि हमने अपना जो है फेसबुक अकाउंट किस तरह डिलीट करना है, और या परमानेंट के लिए डिलीट करना है या टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। तो आपने पहले भी वीडियो इसके ऊपर डाल ली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा उसी वीडियो को उठा के नहीं डालना, आपने नई रिकॉर्ड करनी है उस टॉपिक के ऊपर और वो आपने अपलोड करनी है, फिर आपके चैनल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग अक्सर बोल लोग पूछते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त का चैनल है वो भी मुझसे पूछ रहा था, तो मेरे भाई का चैनल है वो भी मुझसे पूछ रहा था, उसने ना एक वीडियो जो है वो दो चैनल पे डाल दी तो वो मुझे कह रहा था, तो मैंने ना फिर सर्च करके तो मैंने काफ़ी यानी कि इस तरह डिटेल जाके तो मैंने देखा, तो इस तरह जो है ना हमारा जो दो तरह से इफेक्ट करता है जो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, या अगर आप कोई सजेशन या कोई राय या ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप दें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट हसान खालिद को। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।